Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe at your home. Okay, बेटा जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो है आर्टिकल्स. ठीक है, आज बेटा मैं आपको आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी कि आर्टिकल्स क्या होते हैं. ए एन एंड दी आर कॉल्ड आर्टिकल्स. ए एन और दी को हम आर्टिकल्स कहते हैं. दे आर यूज बिफोर नाउन्स. ये नाउन से पहले यूज होता है. ए एंड एन इंडेफिनाइट आर्टिकल्स. ए और जो एन है वो क्या होते हैं? इंडेफिनाइट आर्टिकल्स. और द क्या होते हैं? डेफिनाइट आर्टिकल्स. अब मैं बेटा आपको यूज ऑफ आर्टिकल्स ए के बारे में बताऊंगी कि ए आर्टिकल जो है इसका यूज हमें कब और कैसे करना है. द आर्टिकल ए इज यूज बिफोर ए सिंगुलर कॉमन नाउन विच और कॉन्सोनेंट साउंड. आर्टिकल ए का यूज हम सिंगुलर और कॉमन नाउन से पहले करते हैं और कुछ ऐसे वर्ड जो कॉन्सोनेंट जिनके पीछे कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रहे होते हैं उन शब्दों से पहले हम क्या करते हैं? आर्टिकल ए का यूज करते हैं. एग्जाम्पल ए बुक, ए क्लॉक, ए ट्री, ए गो. ये सभी क्या हैं? एग्जाम्पल हैं. द वर्ड्स बुक, क्लॉक, ट्री एंड गोट आर नाउन्स. ये सभी वर्ड्स क्या हैं बेटा? एग्जाम्पल हैं. और ये सभी वर्ड्स क्या हैं? नाउन्स हैं. इट मीन्स संज्ञा. दे आर सिंगुलर इन नंबर. ये सभी क्या हैं? सिंगुलर हैं. दे बिगिन विद कॉन्सोनेंट साउंड. और ये कब कैसे शुरू हो रहे हैं? कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं ये वर्ड्स. सो ए इज यूज फॉर ईच ऑफ देम. इसीलिए ए का यूज हम क्या करते हैं? इन शब्दों से पहले करते हैं. यूज ऑफ आर्टिकल एन. अब मैं बेटा आपको एन का यूज बताऊंगी कि आपको एन का यूज कब और कैसे करना है. द आर्टिकल एन इज यूज बिफोर ए सिंगुलर और कॉमन नाउन विच बिगिंस विद ए वोवल साउंड. इन शब्दों का प्रयोग आर्टिकल एन का प्रयोग हम ऐसे वर्ड से करते हैं जो वोवल से स्टार्ट होते हैं. ठीक है, और सिंगुलर और कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल एन का यूज हम कर सकते हैं. एग्जाम्पल एन इंजन, एन इंपोर्ट, एन अम्ब्रेला एटसेट्रा. ये देखो बेटा आपको एक पॉइंट नोट करना है. इंजन, इंपोर्ट, अम्ब्रेला, इन तीनों का जो फर्स्ट वर्ड है वो सभी क्या है? वोवल्स हैं. जैसे कि ई, आई, यू, ये तीनों वर्ड्स क्या हैं? वोवल हैं. तो ये बात यहीं से क्लियर हो जाती है कि एन का यूज हम वोवल ऐसे शब्दों से करते हैं जो वोवल वाले होते हैं, जो वोवल होते हैं. वी यूज एन बिफोर आर एंड ऑनेस्ट. आर और ऑनेस्ट, ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनसे पहले हम क्या करते हैं? एन का यूज करते हैं. व्हेन वी प्रोनाउंस दीज टू वर्ड्स एच इज साइलेंट. जब हम आवर और ऑनेस्ट इन दोनों वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं तो इसमें एच साइलेंट रहता है. अगर आप बोल के देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा. जैसे कि आर एंड ऑनेस्ट, बोलने से ही पता लग रहा है कि इसमें एच क्या है? साइलेंट है. दैट इज वाई वी यूज एन बिफोर दी वर्ड्स. इन शब्दों से पहले हम एन का यूज करते हैं. लास्ट एग्जाम्पल है बेटा, देखो गोपाल इज एन ऑनेस्ट मैन. गोपाल क्या है? एक ईमानदार आदमी है. ओके बेटा, आज के लिए इतना ही सफिशियंट है. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दी का यूज कब और कैसे करते हैं इसके बारे में बताऊंगी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर.